सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, ये जो मेरा मोबाइल है वीवो का S1, जिसको मैं अभी तक यूज़ कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, वीडियो क्रिएट करने के लिए, चाहे व्लॉग हो चाहे टेक हो, इसकी अभी क्या हो रही है, इसकी बैटरी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने बैटरी को बचा कर रखना है, कौन कौन सा गलती था जो मैंने किया था इस 3 साल के अंदर में, क्योंकि इस मोबाइल को मेरा परचेज किया हुआ 3 साल हो गया है। तो 3 साल के अंदर में क्या क्या मैंने मिस्टेक किया था, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ताकि आपकी बैटरी लाइफ जो है मोबाइल की वो बढ़ी रहे और बैटरी लाइफ सही रहे। मेरी बैटरी लाइफ बुरी तरह से खत्म हो गई है, अभी आप देख पा रहे हैं 17% इसकी बैटरी है, और इसको मैं कितना भी चार्ज कर लूँ, इसकी जो चार्ज है वो बढ़ी नहीं रही। मतलब 17% से कभी 1 घंटा 2 घंटे के बाद ये 30% 50% वैसा हो रही है, प्लस कभी कभी इसमें फॉल्स चार्ज भी दिख रही है। फॉल्स चार्ज मतलब क्या है, आपको दिख रही है कि 60% आपकी चार्ज है, बट अपने आप की स्विच ऑफ हो रही है, स्विच ऑफ होने के बाद स्विच ऑन हो रही है, फिर जब आप देख रहे हो तो 60% से डायरेक्ट घटकर वो 1% हो जा रही है। जी हाँ, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम सुनकर आपको पता चल रही होगी कि ये दिक्कत हो रही है बैटरी की। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, ताकि आपकी जो बैटरी है वो एक बेटर परफॉर्मेंस आपको दे पाए और आप अपने मोबाइल को एक लंबे समय तक यूज़ कर पाओ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोग कौन कौन से वो तरीके। सबसे पहला जो मैंने गलती किया था वो था ऑटो ब्राइटनेस का। जी हाँ, मैंने ऑटो ब्राइटनेस, आपको पता है आपकी वो 30 सेकंड तक सेट रहती है, जो कि अपने आप उसके बाद मोबाइल आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है, बट मेरा जरूरत के हिसाब से, क्योंकि मुझे हमेशा मोबाइल की जरूरत पड़ती रहती थी, प्लस कॉलेज का कुछ मेरा रहता था जो कि असाइनमेंट वगैरह बहुत कुछ रहता था, जो कि मुझे ऑनलाइन काम करना पड़ता था, तो जिस कारण मैंने जो ऑटो लॉक है वो 30 सेकंड हटाकर मैंने 10 मिनट किया, जो कि मेरे मोबाइल में मैक्सिमम 10 मिनट्स तक है। तो जिस कारण क्या होती थी, मेरी मोबाइल हमेशा ऑन ही रहती थी। मान के चलो मैं मोबाइल में कुछ काम कर रहा हूँ और अचानक अगर घर में कोई मुझे बुला लेते हैं, तो मैं इसका स्क्रीन लॉक का जो बटन होता है अपना भूल जाता हूँ, मैं सीधे चले जाता हूँ, तो क्या होती है वो ऑन ही रहती है, जो उसकी डिस्प्ले है वो ऑन ही रहती है। तो जिस कारण मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है बैटरी को ड्रेन करने में, जो कि बैटरी का भी प्रॉब्लम कर रही है। सबसे मेन कारण मुझे लगता है कि यही है जिसके कारण बैटरी की जो है मेरी प्रॉब्लम आई है। अगर बात करें हम लोग सेकंड, जो मैंने सेकंड मिस्टेक रियलाइज किया है वो है लेस चार्जिंग का। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है मैं दो चैनल यहाँ से ऑपरेट करता हूँ, सारी चीज मेरी होती है स्मार्टफोन से शूट, और स्मार्टफोन से कभी कभी मैं एडिट भी करता हूँ, तो इतनी ज्यादा मुझे स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ब्लॉगिंग के लिए आपको पता होगा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हर टाइम मोबाइल आपके पास होना चाहिए। तो क्या होती है, मैं मोबाइल को ज्यादा चार्ज ही नहीं होने देता था। मतलब मान के चलो आप 30% या 50% चार्ज होती थी, मेरी मोबाइल जब से मैंने खरीदा है, जब से मैंने यूट्यूब में आया, मैंने मोबाइल को परचेज किया था 2019 में, बट 2020 से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो 2020 से आप मान के चलो 2 साल रेगुलर मोबाइल मेरी कभी भी 100% तक चार्ज नहीं। अगर मुझे कहीं जाना होता तो लॉन्ग टूर करना होता था, तो मैं इसको फिर रात भर 100% चार्ज करता था, बाकी दिन कभी भी 100% चार्ज नहीं होती थी, क्योंकि 50% 60% होती थी, तभी मेरे मोबाइल की कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती थी और मैं उसको चार्ज से हटा लेता था। तो सेकंड रीजन आप इसको ही बोल सकते हो कि लेस चार्जिंग की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल को ज्यादा चार्ज नहीं करते हो तो जरूर से चार्ज किया करो, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं, आप तो यूट्यूबर नहीं हो, आप अपने से चार्ज कर सकते हो, उसके बाद ही इसको यूज करो तो सबसे बेस्ट होगी। इसी के साथ मैं थर्ड रीजन को भी जोड़ना चाहूंगा कि आप चार्ज करते करते मोबाइल को मत यूज करो। ये मैं बहुत ज्यादा करता था, क्योंकि मैं चार्ज करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे मोबाइल की हमेशा जरूरत पड़ती रहती थी। तो मैं क्या करता था, चार्ज करते करते भी मोबाइल को यूज करता था। तो इसका भी एक मेन रीजन हो सकता है कि बैटरी ड्रेन इसमें भी होती है, क्योंकि मोबाइल चार्ज करते टाइम भी आपको यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो सावधान हो जाओ, वरना 1-2 साल के अंदर आपकी भी बैटरी, जो मेरी प्रॉब्लम आई है, सेम टू सेम आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे आप कितनी भी लेटेस्ट स्मार्टफोन क्यों ना लो, सब में ये प्रॉब्लम आ ही जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखो, आप मोबाइल को चार्ज कर लो, सफिशियंट चार्ज हो जाएगी, उसके बाद फिर आप उसको यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चार्ज करो, बैटरी लेवल अप करो, उसके बाद बैटरी डाउन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चार्ज होते होते भी आप उसको अगर यूज कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आती है बाद में। उस टाइम तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आती थी, आपको भी नहीं समझ में आती होगी अगर आप भी अभी करते हो यूज, तो बट ये चलकर बाद में प्रॉब्लम कर जाती है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट रीजन है, मोबाइल को कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा देर तक यूज करना। जी हाँ, ये मेरे से काफ़ी होता है। जैसे मैंने पहले कहा, मेरे चैनल के कारण मुझे हमेशा से मोबाइल की जरूरत पड़ती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैं मोबाइल यूज़ करता था, क्योंकि टेक चैनल के लिए भी मुझे टॉपिक वगैरह सर्च करनी होती थी, तो टॉपिक वगैरह सर्च भी मेरे मोबाइल से होती थी, फिर उसको शूट करना भी मेरे मोबाइल से होती थी। कभी कभी ऐसे होते थे कि कोई कोई वीडियो 1 घंटा तक की शूट होती थी। जी हाँ, 1 घंटा तक शूट होती थी, उसको मैं फिर एडिटिंग वगैरह करके फिर उसको मैं कुछ 10 मिनट से 20 मिनट्स का रखता था। तो 1-1 घंटा तक शूट होना मतलब समझ रहा हूँ रेगुलर आपकी मोबाइल यूज़ हो रही है, तो जिस कारण ड्रेनेज प्रॉब्लम हुई है, जो कि मोबाइल का बैटरी ड्रेन हुई है, उस कारण भी हो सकती है। इसी के साथ नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा, ज़्यादातर कैमरा यूज़ करना, क्योंकि फिर से मैं वही बता रहा हूँ, मेरा ब्लॉग चैनल है, मेरा टेक चैनल है, तो हमेशा मेरा कैमरा यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं भी ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल का कैमरा हमेशा ऑन ही रहता है, भले ही मैं शूट करूँ चाहे ना करूँ, बट कैमरा ऑन रह रहा है।
तो कैमरा ऑन रहने के कारण क्या होती है, स्क्रीन आपकी ऑन रह रही है हर टाइम, स्क्रीन हर टाइम ऑन रह रही है तो क्या होगा, बैटरी आपकी ड्रेन हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की थी मेरे साथ, जिस कारण प्रॉब्लम हुई है बैटरी का। इसके साथ और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये मैं ज्यादातर यूज नहीं करता था, बट अगर आप करते हो तो आप सावधान हो जाओ, इसके चलते भी बैटरी आपकी प्रॉब्लम कर सकती है, कि दूसरे फोन का चार्जर यूज करना। अगर आप सेम स्मार्टफोन का दूसरा चार्जर यूज करते हो तो ठीक है, बट अगर आप स्मार्टफोन का चार्जर के जगह आप अगर कोई आप जो कि कीपैड वाला मोबाइल होती है उसकी अगर चार्जर यूज़ करते हो, जैसे कि मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन है मेरे घर में मम्मी के लिए, तो उस फ़ोन का चार्जर मैंने सिर्फ शायद 3-4 बार मैंने इसमें लगाया था, क्योंकि आप एक चीज़ जानो, उसकी बैटरी रहती है बहुत कम, उसकी चार्जर भी रहती है बहुत कम, क्योंकि जिस तरह से बैटरी उस तरह से उसकी चार्जर मिलती है, तो वो चार्ज में अगर आप अपने स्मार्टफोन चार्ज करते हो तो समझ सकते हो आपकी बैटरी की लाइफ क्या रहेगी आपकी, क्योंकि उसकी बैटरी इसकी बैटरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है, और उसकी चार्जर और इसकी चार्जर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगी। तो जिस कारण आपको ये नहीं करना है, अगर आप कुछ ऐसा मोबाइल से चार्ज करें जो कि कीपैड मोबाइल का, अगर आप चार्जर से अगर आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ये चीज़ दोबारा मत करना, वरना आपको ही पछताना पड़ेगा, मेरे जैसा बैटरी का प्रॉब्लम आप में भी आ सकती है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ इसको आप बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हर कोई ये गलती करते हैं, जी हाँ बहुत कोई ये गलती करते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये इतना बड़ा गलती हम लोग कर रहे हैं स्मार्टफोन के साथ। वो गलती क्या है, वो गलती है स्मार्टफोन में बैक कवर लगाना। जी हाँ, आप सोचो कि बैक कवर लगाने से कि बैटरी की क्या दिक्कत हो सकती है, तो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको, जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बताया मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ, तो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर आपको सही लगे तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। अभी आप देख पा रहे हो मेरे स्मार्टफोन जो है विदाउट बैक कवर है। विदाउट बैक कवर रहने का मेन रीजन है, मान के चलो आप कंटिन्यूसली मोबाइल को यूज कर रहे हो और यूज करते करते क्या होता है, आपको देखा होगा ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी हीट हो जाती है, और ये हीट होने के बाद इसको ठंडा होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी, अगर ये ठंडा नहीं होती है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है। तो वही अगर आप मान लो आप बैक कवर लगा कर रखते हो और ये हीट हो जाती है, और बैक कवर लगा कर रहता है तो क्या होता है, हीट जो है वो बैक कवर के अंदर ही रह जाती है, मतलब यहीं पर रह जाती है, ठंडा नहीं हो पाती है, क्योंकि आप चाहे रबराइज वाला बैक कवर यूज़ करो या तो आप मेरे जैसे बैक कवर यूज़ करो। मैं इस बैक कवर को यूज़ करता था और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, इसका मैंने अनबॉक्सिंग भी किया है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। इसके चलते क्या होती है, मुझे लगता है कि इस बैक कवर के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मेरी मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट होती थी, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता था मोबाइल को, तो हीट होना कंपलसरी है, आप ही अगर मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका मोबाइल देखोगे आप हीट होगी। तो हीट होने के बाद क्या होती थी, जो एयर है इसमें नहीं लग पाती थी, बाहर से हवा इसमें नहीं घुस पाती थी, क्योंकि मेरा बैक कवर इसमें लगा रहता था इस टाइप का, तो जिस कारण इसमें नहीं लग हवा नहीं घुसने के कारण ये क्या होती, गर्म रहती थी और गर्म अंदर ही रह जाती थी, ठंडा नहीं हो पाती थी, जिस कारण मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा सजेशन नहीं रहेगा, पर्सनल ओपिनियन रहेगा, आप एक छोटे भाई के हिसाब से मानो चाहे कुछ भी मानो आप, तो अगर आप कोशिश करो कि बैक कवर को यूज ना करना, भले ही बैक कवर आपकी क्या होती है मोबाइल की प्रोटेक्शन बढ़ाती है, मोबाइल आपकी कहीं गिर जाएगी तो बैक कवर आने की वजह से मोबाइल आपकी टूटेगी नहीं, बट बाद में ये प्रॉब्लम करती है बैटरी की। मेरा भी देख पा रहा हूँ मोबाइल ये है, ये पीछे का जो मेरा बैक है ये पूरा ग्लास फिनिश है, तो ग्लास फिनिश होने के कारण मैंने इसको हमेशा से बैक कवर में ही रखा है, क्योंकि ये टूटे ना, वरना गिरती तो बहुत बार टूटती, तो जिस कारण मैंने इसको हमेशा बैक कवर में रखा। सबसे बड़ा गलती मैंने वहीं पर किया। आप देखोगे बड़े बड़े यूट्यूबर हो चाहे बड़े बड़े टेक यूट्यूबर हो जिनको अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो कभी भी बैक कवर यूज़ नहीं करते होंगे। आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूँ, जो टेक बर्नर है हमारे, टेक बर्नर के पास आईफोन 13 है, तो वो बैक कवर विदाउट बैक कवर के फोन को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है बैक कवर यूज़ करने के बाद कौन से प्रॉब्लम आपके सामने फेस होती है, भले आपके मोबाइल की प्रोटेक्शन तो रहती है बट बैटरी लाइफ उसमें नहीं रह पाती है, क्योंकि मोबाइल हीट होती है। तो बस आप अगर कोशिश करो इसको ना यूज़ करने का, और यही थी कुछ मेरी पर्सनल जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है 3 साल के अंदर, जो मेरे इस चीज़ों के गलती के कारण मेरे मोबाइल की जो बैटरी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं इसको बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल बैटरी में इसको लगाऊंगा, फिलहाल अभी तो मैंने लगाया था, अभी कुछ दिन चलने तो उसका बैटरी लगाऊंगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, और अगर आपको कुछ भी इसमें से नॉलेज मिली हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको क्या करना, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इसी तरह का ऑसम कॉन्टेंट हमेशा इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।